अच्छा जी, हेलोजन वाल्गेंस हमारे पास क्या होते हैं? अगर किसी एल्काइल के साथ हम हेलोजन अटैच करते हैं, दैट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, तो वह हेलोजन वाल्गेन बनता है। जैसे ब्रोमीन अटैच कर देंगे एथाइल के साथ तो इट इज ब्रोमोइथेन। ठीक है, इसी तरह आपका आयोडोइथेन भी हो सकता है, क्लोरोइथेन भी हो सकता है। हेलोजेंस में हमारे पास अगर रिएक्टिविटी की बात करें ना हेलोजन एल्केन्स की, जैसे क्लोरो एल्केन है कोई भी, तो अगर दो कार्बन इथाइल के साथ अगर हम क्लोरीन लगाते हैं, दिस इज फ्लोरोइथेन। इसी तरह सेकंड वाला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, दिस इज क्लोरोइथेन। इसी तरह ब्रोमो इथेन एंड आयोडोइथेन। तो रिएक्टिविटी की अगर हम इनकी बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो आयोडो एल्केन्स होते हैं। उसका रीजन ये है कि जो कार्बन और आयोडीन बॉन्ड है वो वीकेस्ट बॉन्ड है, वो इजली ब्रेक हो जाता है। क्यों इजली ब्रेक हो जाता है? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकेस्ट है उसकी। कार्बन आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो 228 किलो जूल पर मोल है। और वो क्यों वीकेस्ट है? क्योंकि आयोडीन एटम का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा है ना, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम एंड द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वीकर। इसकी वजह से कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो है वो इजली ब्रेक हो जाता है। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि व्हिच इज द मोस्ट एक्टिव हैलोजन एल्केन अमंग दीस, तो देयर शुड बी आयोडो एल्केन। रीजन बीइंग बिकॉज आयोडीन हैज अ ग्रेटर एटॉमिक साइज, सो द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, और यू कैन ऑल्सो राइट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डेड न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स एंड द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द वीकेस्ट। मतलब इन शॉर्ट, लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। जो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा लंबी होगी वो सबसे ज्यादा वीकर होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है बॉन्डेड एटम के वो दूर होंगे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होगी या कोवलेंट बॉन्ड वीकर होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास हैलोजन एल्केन्स के जो रिएक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं, और वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो हैलोजन एल्केन जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। एल्केन्स में हमने देखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब बात आ गई है हेलोजिनो एल्केन्स की, तो हेलोजिनो एल्केन्स का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेमिंग इनकी हम लोग, अच्छा हेलोजिनो एल्केन्स को यूजुअली एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, तो अगर कहीं पेपर में आपको एल्काइल हैलाइड नाम लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि वो हेलोजिनो एल्केन्स की ही बात कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हेलोजन एल्केन है CH3 CH2 CH2Br, तो इसको हम लोग वन ब्रोमो प्रोपेन कहते हैं, या इसको ना हम लोग प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, लेकिन ये वाली नेमिंग जो है हमें कैम्ब्रिज में दिखती नहीं है, तो हम लोग जो नेमिंग यूज कर रहे हैं वो इस तरह से यूज कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हैलोजन एल्केन में कोई एक ही हैलोजन लगा हुआ हो और एक ही टाइप का हैलोजन लगा हुआ हो, मतलब ब्रोमीन भी लगा हुआ हो सकता है, साथ में दो ब्रोमीन भी हो सकते हैं, क्या पता कोई क्लोरीन भी लगा हुआ हो, और इसी पे क्या पता फ्लोरीन भी लगा हुआ हो, तो ऐसे भी हो सकता है हैलोजन एल्केन। अब इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे? इसकी नंबरिंग हम ऐसे ही करेंगे जैसे ब्रांचेस पे ज्यादा छोटा नंबर लाइक करे, तो राइट टू लेफ्ट इसकी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। लेकिन जब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी एफ वाली अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो बी सबसे पहले आता है ना, तो हम इसमें लिखेंगे 1,1 डाई ब्रोमो, देन एफ आता सी आता है तो 3 क्लोरो, देन 2 फ्लोरो, और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो जैसे और सिंगल बॉन्ड है सब में, इसके एंड में क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। हेलोजन एल्केन का जो पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं वो है, देखो हेलोजन एल्केन के जो रिएक्शंस है ना, अगर एग्जांपल के लिए हम लोग ब्रोमोइथेन के एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिएक्शन तो है इसका एक्वस
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिया है और हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे इसको, तो हेलोजिन जो है वो रिमूव हो जाएगा और हेलोजिन की जगह पे ओएच आ जाएगा। तो ये बन गया अल्कोहल। साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम निकला था सोडियम हाइड्रोक्साइड से और हेलोजन एल्केन से ब्रोमीन निकला था तो सोडियम ब्रोमाइड। अच्छा, इसके अलावा हेलोजन एल्केन का और कौन सा रिएक्शन है? हेलोजन एल्केन का यही रिएक्शन जो है हम लोग वाटर के साथ भी करवा सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास ब्रोमोइथेन है उसको अगर सिर्फ वाटर में डाल दें तो हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर ऐड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वैसे जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, करेंगे इसमें भी हीट अंडर रिफ्लक्स ही। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका अल्कोहल बनेगा, अब सोडियम तो है नहीं इसमें, तो साथ में जो आपका ब्रोमाइड आयन बनेगा वो वाटर में से, देखो वाटर में से ओएच तो निकल के लग गया हेलोजन एल्केन के साथ, तो हाइड्रोजन जो है वो लग जाएगा ब्रोमीन के साथ, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। ये रिएक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये ग्रुप 17 जब हम नहीं हाँ हाँ ग्रुप 17 जब हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें जब हम किसी हेलोजिनो एल्केन में ये पता लगाना चाह रहे होते हैं कि वो क्लोरो ब्रोमो एल्केन है या फिर आयोडो एल्केन है या क्लोरो एल्केन है, तो उसमें हम लोग एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। हेलाइड आयन की टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं? एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। तो जो एक्वस सिल्वर नाइट्रेट है बेसिकली वो पहले आपका एक्वस डालने की वजह से पहले ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होती है हेलोजन एल्केन्स की, उसके बाद हमारे पास जो इनसे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक अल्कोहल बनता है और साथ में क्लोरो एल्केन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ब्रोमो एल्केन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा और आयोडो एल्केन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। और फिर ये क्योंकि आयनाइज हुए होंगे क्लोराइड आयन HCl का, ब्रोमाइड आयन HBr का और आयोडाइड आयन आयोडाइड आयन का, तो सिल्वर फिर इनके साथ जो है सिल्वर आयन इनके साथ जब कंपाउंड बनाएगा तो वो इनसॉल्युबल होता है, तो हमारे पास जो है इनके PPT मिलते हैं, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट PPT, सिल्वर ब्रोमाइड का ग्रीन PPT और सिल्वर आयोडाइड का येलो PPT। सही है? हाँ, देखो मैं मेरे पास सभी 3 स्क्रीन सामने खुली हुई है, आपको अगर चैट लिखनी है ना तो चैट जो M लिखा हुआ है ना कैपिटल M, वहां पे अगर मैसेज करोगे तो मैं सबसे पहले जल्दी दिख जाएगा मुझे, बाकी दूसरे अकाउंट पे करोगे तो एक पे तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि उस पे मैं स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, दूसरे पे अगर नजर पड़ी तो दिख जाएगा, लेकिन M वाले पे everyone पे करके लिख दो चैट तो ज्यादा और सबसे जल्दी दिख जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हेलोजन एल्केन का एक रिएक्शन होता है साइनाइड के साथ। अब साइनाइड के साथ इनका क्या रिएक्शन है, या पहले अमोनिया के साथ देख लेते हैं, चलो साइनाइड के ऊपर बताता हूँ। देखो अगर हमारे पास एक्सेस अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक्सेस अमोनिया हो और इथेनॉल में हो, एक्वस ना हो। एक्वस होगी तो अल्कोहल बन जाएगा, हमें अल्कोहल नहीं बनाना, हमें बनाना है अमाइन्स। तो अमाइन्स कैसे बनेंगे, जो NH3 है इसका नाइट्रोजन जो है वो जाके ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे लगेगा। जब ये नाइट्रोजन लगेगा, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता ना, एक बॉन्ड तो उसने कार्बन के साथ बना लिया, तो उसके साथ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन रह जाएंगे, 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलेगा जो कि ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट नहीं है, इनऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट है। ये जो हमारे पास चीज बनी है ये अमाइन, जिसको हमने इथाइल अमाइन भी कह सकते हैं और इसको हम अमाइनो इथेन भी कहते हैं। सही है? तो ये वाला रिएक्शन याद रखना, एक्सेस अमोनिया के साथ अल्काइल अमाइन्स बनते हैं। इसके लिए कंडीशन अगेन हैलोजन एल्केन में जो हम लोग हीटिंग कर रहे होते हैं वो हीट अंडर रिफ्लक्स ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ना इसकी एक रिएक्शन कंडीशन और भी होती है, इसको ना हम हाई प्रेशर पे करते हैं।
ये भी याद रखना, ये अक्सर मिस हो जाती है। अच्छा, हेलोजन एल्केन का एक और रिएक्शन, वह है साइनाइड के साथ। जैसे ये ब्रोमो चेन है ना, इसको हम रिएक्शन करा सकते हैं अब पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखो इसमें से ना हम दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, दोनों साथ भी ले सकते हैं। हाँ, हेलोजिनो एल्केन में यूजुअली हीट अंडर रिफ्लक्स होता है, लेकिन ये जो अमाइन वाला रिएक्शन है ना, इसमें जरूरी भी नहीं है हीट अंडर रिफ्लक्स। अगर सिर्फ हीट भी लिख देना तो वो काम बन जाता है इसमें। आई होप रिफ्लक्स सबको पता है कि क्या रिफ्लक्स का क्या लेना देना है। अच्छा, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कहीं से साइनाइड आयन चाहिए हमें, तो हम यूजुअली पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड भी लिखा हुआ होता है, हम दोनों ही डाल देते हैं। मतलब पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड, अक्सर हाइड्रोजन साइनाइड जो है ना हम डायरेक्टली नहीं यूज करते क्योंकि वो टॉक्सिक होती है गैस उसकी, तो हम पोटेशियम साइनाइड डालते हैं और रिएक्शन मिक्सर में हाइड्रोजन साइनाइड गैस खुद ही जनरेट हो जाती है। तो अगर स्टार्टिंग कंपाउंड हेलोजिनो एल्केन है और हमारे पास पोटेशियम साइनाइड है, लेकिन अगेन इथेनॉल में लेना पड़ेगा उसको, इथेनॉल। तो क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ अगर पोटेशियम साइनाइड लिखा हुआ है तो भी हो जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन साइनाइड लिखा हुआ है तो भी हो जाएगा रिएक्शन, और इसके लिए हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं। और इसमें होता है क्या है, ये जो CH3 CH2 ब्रोमीन हटेगा और उसकी जगह पे CN आके लग जाएगा साइनाइड है, और ये जो कंपाउंड बन जाता है फिर उसको हम नाइट्राइल्स कहते हैं। 3 कार्बन वाला नाइट्राइल बना है तो इसको हम नाम क्या देंगे, जैसे प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन की स्पेलिंग पूरी लिखेंगे ई तक, इसमें ई नहीं हटाएंगे इसका, प्रोपेन नाइट्राइल। और साथ में इसमें भी Br निकला है और पोटेशियम है तो पोटेशियम ब्रोमाइड। एक रिएक्शन ये है हैलोजन एल्केन का। सही है। इसके अलावा हेलोजिनो एल्केन में हम इलिमिनेशन ऑफ हेलोजिनो एल्केन, जब भी अभी हमने एल्कीन में देखा एल्कीन का लास्ट रिएक्शन, अगर हम किसी हेलोजिनो एल्केन को उस एल्कीन बनाना हो तो उसके लिए फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एल्कोहल बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो सबसे पहले देखा है। लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉलिक लेंगे, इथेनॉलिक मतलब इथेनॉल में डिजोल्व करके इसको हीट करेंगे, तो फिर ये अल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि ये फिर इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बाकी सारे जितने भी ऊपर 4 रिएक्शन देखे हैं वो सारे क्या हैं, हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये वाला जो रिएक्शन हो जाएगा वो इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें कार्बन के साथ हेलोजन जो लगा हुआ है वो हटेगा और जो एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो हट जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो यस CH3। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें, CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा, और साथ में ब्रोमीन और हाइड्रोजन हटाए तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाँ, वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्योंकि एज एसिड काम करता है लाइक HCl, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो बना है वो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्केली उसके साथ रिएक्ट करके फाइनल मिक्सचर में आपको सोडियम ब्रोमाइड और वाटर मिल रहा होगा। तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपको ये दोनों मिल रहे होंगे, तो आप रिएक्शन इक्वेशन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बजाय ये लिखो सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर। ठीक है, हाँ इसका माइंड मैप बनाते हैं अभी इन सारे रिएक्शंस का। अच्छा, इसके अलावा ये जो नाइट्राइल का रिएक्शन है ना, ये भी यहीं पे याद कर लो। अगर हमारे पास नाइट्राइल बने ना, जो पर हमने प्रोपेन नाइट्राइल बनाया, इस नाइट्राइल की अगर हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस कर कैसे करते हैं कि मिनरल एसिड ले लेते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड
या ऐसे वेज पॉजिटिव आइन भी लिख सकते हो, और उसको अगर हम हीट करें, एक्वस होना जरूरी है ये ऑफ कोर्स, तो ये जो सी एन है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। इसका यूजली जो है ना वो स्केलेटल फॉर्मूला बना के दिया हुआ होता है इन्होंने, तो स्केलेटल फॉर्मूला से अगर इसको पहचाना ना तो फिर इस तरह से वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इस तरह से दिख रहा होता है कुछ। एलिमिनेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट में सोडियम ब्रोमाइड बना ना तो वाटर बनेगा। और हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बता सकते हो? देखो जब सीएन में से नाइट्रोजन तो निकल गया ना, वो क्या जाएगा, ये जो नाइट्रोजन है ये बेसिकली अमोनिया बन के निकलता है, और क्योंकि हमने रिएक्शन मिक्सचर में सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम सल्फेट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा एंड वाटर। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल के अलावा जितने भी रिएक्शन है ना ये सारे, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, एक SN1 होता है और एक SN2। अब SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कब होता है, जब आपके पास टर्शियरी हैलोजन एल्केन हो, और SN2 कब होता है, जब आपके पास प्राइमरी हैलोजन एल्केन हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो हमने एग्जांपल ली हुई है ये है प्राइमरी हैलोजन एल्केन की। प्राइमरी हैलोजन एल्केन वो हैलोजन एल्केन है जिसमें अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ एक एल्काइल डायरेक्टली अटैच है, और दो हाइड्रोजन अटैच है, तो दिस इज प्राइमरी हैलोजन एल्केन। इसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो बेसिकली हर हेलोजिनो एल्केन में जो ब्रोमीन है या कोई भी हेलोजिन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, उसमें से जो OH नेगेटिव आयन निकलेंगे वैसा न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा होना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा अब OH नेगेटिव आइन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो वो किस तरह से, अब आगे बना दो पीछे बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे बना दो बेशक हाइड्रोक्साइड आइन, लेकिन उसके ऊपर लोन पेयर जरूर दिखाओगे, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव को अटैक करेगा जिसकी वजह से कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, लेकिन मतलब कार्बन ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन से छीन के भाग रहेगा कि ब्रोमीन की तरफ ज्यादा, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये प्राइमरी हैलोजन एल्केन है तो इसमें होता क्या है कि जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है ना वो तो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह पे OH आके लगेगा, लेकिन वो ये ना साइमल्टेनियसली काम होगा, मतलब जैसे OH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जबरदस्ती फॉर्म कर रहा है ना, क्योंकि कार्बन तो चार बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, तो साइमल्टेनियसली कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों बॉन्ड डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, एक बन रहा है और एक खत्म हो रहा है। ये इंटरमीडिएट जो है, ऐसे इंटरमीडिएट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, और अल्टीमेटली क्या होगा इसमें,
आपका ब्रोमीन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और OH जो है फिर वो ब्रोमीन की जगह पे लग जाएगा, तो क्या बन गया, एल्कोहल OH। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, क्योंकि ये प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन के साथ हो रहा है, तो ये SN2 है। मैंने ऐसे याद किया हुआ है, जैसे पेपर 2 होता है ना, P2 प्राइमरी में SN2 होता है, टर्शरी में SN1 होगा, सेकेंडरी में कुछ मॉलिक्यूल SN1 करते हैं, कुछ SN2 करते हैं, तो वो आपको बता देगा कि सेकेंडरी का मॉलिक्यूल SN1 फॉलो कर रहा है या SN2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, एन जो है ना वो नीचे छोटा लिखा होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और टू का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे एस में। अच्छा, इसी तरह अगर आप SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ये होता है टर्शरी हैलोजन एल्केन्स में, टर्शरी हैलोजन एल्केन जैसे हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली, लेट से 3 एल्काइल डायरेक्टली अटैच है, एक जगह CH3 लगा हुआ है, C2H5, और दो जगह CH3, तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन इसमें जो होगा, अब देखो टर्शियरी हैलोजन एल्केन है तो इसमें 3 एल्काइल लगे हुए, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा ना इसमें, तो जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है वो छोटा होगा। अब इसके अंदर जब हाइड्रोक्साइड आयन इसको अटैक करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो अटैक कर नहीं पाएंगे, इसी वजह से हम पहले स्टेप में जो है ना वो हाइड्रोक्साइड आयन को नहीं दिखाते इसमें, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन आ तो गए मिक्सचर में, लेकिन डायरेक्टली अटैक नहीं कर पा रहे, तो पहले क्या होता है इसमें कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड खुद ब्रेक होता है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा उसके, और फिर अभी ऐसा नहीं होगा कि इसमें एक बॉन्ड साथ में बन रहा है एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसमें पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा पूरा, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले जाएगा, तो कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा इस रिएक्शन का स्टेप 1 है, जो कि रिलेटिवली स्लो स्टेप होता है, और वो स्लो स्टेप इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ना इसमें। अच्छा, उसके बाद जब हाइड्रोक्साइड आयन की नजर पड़ती है इस पॉजिटिव कार्बन पे, तो उसको फौरन अटैक करेगा, अब तो कोई नहीं रोक रहा उसको, और फिर OH लग जाएगा, और अल्टीमेटली ये अल्कोहल बना लेगा OH, और जो ब्रोमीन निकला है वो सोडियम के साथ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम था उसके साथ सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। तो जो दूसरा स्टेप होता है हमारे पास, स्टेप 2 ऑफ दिस रिएक्शन इज अ फास्ट स्टेप, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट को तुम जानते हो, दिस इज कार्बोकैटाइन। अब ये इंटरमीडिएट जो है वो टर्शरी कार्बोकैटाइन है, लेकिन इसमें कोई मेजर माइनर का चक्कर नहीं है, क्योंकि आपके पास जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है वो हटेगा हेलोजन, और उसकी जगह पे OH लगेगा, एक ही पॉसिबिलिटी होती है। MCQ से रिलेटेड हेलोजन एल्केन का एक क्वेश्चन बहुत आता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के, जो देखो किसी भी हेलोजन एल्केन में जो कार्बन, अगर लेट से फ्लोरीन भी लगा हुआ है, इस पर आयोडीन भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं और क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो हमेशा याद रखना जो होमोलिटिकली फिजन होती है ना यूवी लाइट में, जब वो हेलोजन एल्केन CFCs की बात कर रहा हूँ, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जो यूजेस ऑफ हेलोजन एल्केन भी हमारे सिलेबस में है ना, तो उसमें क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन में, अब इनको CFCs इसलिए कहते हैं जिसमें क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो, कार्बन भी हो, मैंने ब्रोमीन भी लगा दी अभी, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कभी भी होमोलिटिकली ब्रेक नहीं होता, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो इनको ब्रेक करके आप रेडिकल नहीं बना सकते हो, फ्री रेडिकल डू नॉट ब्रेक। जनरेट फ्री रेडिकल्स, इसी तरह आप कौन से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक
इन यूवी, अब यूवी लाइट वो स्ट्रेटोस्फीयर में जब आपके पास वो ब्रेकडाउन होते हैं ना, बल्कि इसको अभी सिंपल ये लिखो, ब्रेक टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स, क्योंकि इनका जो ब्रेकडाउन होता है वो होमोलिटिक होता है। माइंड मैप बनाना है इसका। लास्ट में हमने जो पढ़ा है, देखो आपके पास एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर ऐसे आते हैं जिसमें आपके पास उसने एक हेलोजन एल्केन दिया हुआ है। अब उसमें कोई भी हेलोजन हो सकता है, बोलता है कि बताओ फ्री रेडिकल जो बना है उसमें वो अक्सर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देता है, यहाँ फ्री रेडिकल दिखा देता है, जो कि ये गलत है, ये नहीं बन सकता। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता फ्री रेडिकल बनाने के लिए, मतलब यूवी लाइट की बात करें, यूवी लाइट में नहीं होता। इसी तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड हो सकता है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड हो सकता है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। तो वो एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, पेपर टू में तो नहीं दिखेंगे वैसे। अच्छा, अब इसमें देखो अगर हम कोई हैलोजन एल्केन की एग्जांपल ले लें, लेट से ब्रोमोइथेन ले लेते हैं, इसी से देखें सारे रिएक्शंस अभी। तो इसमें पहला रिएक्शन हमने देखा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने इसको अगर करना है हीट अंडर रिफ्लक्स, तो ये बनेगा CH3 CH2OH एल्कोहल, सही है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने क्या रिएक्शन देखा, आपका अमाइंस बनाए, इससे हमने अल्कोहल बनाया, यही रिएक्शन हमने वाटर के साथ भी देखा है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स एंड दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजन एल्केन्स, ये बनेगा CH3 CH2OH एल्कोहल ही बनेगा इसमें भी। उसके अलावा हमने इसकी नाइट्राइल फॉर्मेशन देखी, रिएक्शन विद साइनाइड, इस रिएक्शन को नाम देना चाहो तो नाइट्राइल फॉर्मेशन कर लो,
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका कार्बन चेन में कार्बन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन करवाने के लिए हम एक्वस पोटेशियम साइनाइड भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड भी ले सकते हैं, या दोनों एक साथ भी लेते हैं अक्सर। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक्वस कंडीशंस ना हो, बल्कि ये सब काम जो है वो इथेनॉल में करना है। अगर एक्वस होगा तो साथ में फिर अल्कोहल भी बनना शुरू हो जाएगा, तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2 और ये आ जाएगा CN। अब अगर आपको इसका नाम याद नहीं रहता है तो नेमिंग किस तरह से करनी है, जैसे प्रोपेन नाइट्राइल, नहीं वाटर लिक्विड फॉर्म में लेना है, एक्वस हाइड्रोलिसिस कर रहा है ना, हाइड्रोलिसिस है, वाटर ब्रेकडाउन होके उसमें अटैच हो रहा है। इसके अलावा एक और रिएक्शन आपका जिसमें अमाइन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको अगर नाम देना चाहो तो दिस इज माइन फॉर्मेशन। और इसमें जो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो इसके लिए हर हाल में आपको एक्सिस अमोनिया इन इथेनॉल लेना है। इसमें भी अगर एक्वस लोगे तो वो अल्कोहल बनेगा फिर अमाइन के साथ साथ, यस HRS हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा इसमें ना इसमें सिर्फ हीट करते हैं और क्या कहते हैं एंड हाई प्रेशर भी यूज करते हैं, मेरा बहुत हो रहा है, ठीक है, हीट एट हाई प्रेशर। दिस विल फॉर्म अमाइन CH3CH2NH2, इसका नाम हो गया इथाइल अमाइन। इसी तरह ये जो नाइट्राइल वाले है ना, इसी में यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर लो, इस नाइट्राइल की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, वो कैसे करेंगे कि कोई भी मिनरल एसिड डाल के जिसमें एच पॉजिटिव आइन हो और हीट कर दें, तो ये जो साइनाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में, तो ये बन जाएगा CH3CH2COOH। क्योंकि ये हमने ना प्राइमरी हेलोजन एल्केन लिया हुआ है, तो जितने भी ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म है ये सारे के सारे क्या है, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। अगर तो टर्शियरी होता तो ये सारे के सारे रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 करते, जो ब्रोमो इथेन प्राइमरी हैलोजन एल्केन है, सबके रिएक्शन मैकेनिज्म कौन से, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा हैलोजन एल्केन का एक और रिएक्शन जिसमें आपने क्या किया, एलिमिनेशन की, तो वो अलग से लिख देते हैं फिर भाई, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, या तो वो नीचे अलग से लाइन डाल के लिख दो। और इसमें आपने क्या करना है, हीट अंडर रिफ्लक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल, तो इसमें वी विल गेट एल्कीन। हाँ अब इसमें एल्कीन के कितने आइसोमर्स बनेंगे वो जो हमने पीछे डिस्कस किया था वही है। भाई
आगे बढ़े, मतलब हेलोजन एल्केन। अब हाँ स्क्रीनशॉट जिसने लेना है ले लो। मेकिंग ऑफ हेलोजन एल्केन्स, चलो वो भी यहीं पे कर देते हैं समराइज। देखो वो अगर आप फॉर्मेशन ऑफ हेलोजिनो एल्केन्स के रिएक्शन देखोगे कि हेलोजिनो एल्केन्स बनाए कैसे जाते हैं, तो एक रिएक्शन तो आपने देखा एल्केन का ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, इसमें आप कोई क्लोरीन गैस या क्लोरीनेशन या ब्रोमीन गैस के साथ ये रिएक्शन करवा सकते हो अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, तो इससे हेलोजिनो एल्केन बनता है। जैसे मीथेन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो यूवी लाइट, तो हमारे पास क्लोरोमीथेन बनेंगे। अब वैरायटी ऑफ क्लोरोमीथेन बन सकती है, लेट्स से हमने मोनो वन क्लोरोमीथेन बना लिया। इसके अलावा आपने एक और रिएक्शन देखा एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना, उसमें आप एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड या किसी भी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अगर रिएक्ट कराते हो, मैं HX लिख देता हूँ, या फिर ब्रोमिनेशन करवाते हो उसकी या क्लोरीनेशन करवाते हो तो भी हेलोजन एल्केन बनता है। लाइक इफ यू हैव इथीन और कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड डालोगे तो एक हेलोजन लगेगा, अगर ब्रोमिनेशन ब्रोमीन मॉलिक्यूल या क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कराओगे तो वो दो हेलोजन लगेंगे। सही है। अब उसके अलावा और किस तरह से हेलोजन एल्केन बनाए जा सकते हैं भाई, और भी तरीके हैं हेलोजन एल्केन बनाने के अल्कोहल्स के रिएक्शंस के साथ। अभी वो आगे पढ़ना था लेकिन अल्कोहल के रिएक्शन अगर हम इसको समराइज करें, क्योंकि हेलोजन एल्केन के साथ अच्छा है ना सारे साथ आ जाएंगे हेलोजन एल्केन के रिएक्शंस। तो तीसरा है अगर हम किसी अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, इसमें भी बनता है हेलोजन एल्केन, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। बस फर्क क्या है कि न्यूक्लियोफाइल पहले OH था अब Cl है। ठीक है, अब जैसे इसकी एग्जाम्पल में एथेनॉल है CH3CH2OH, हमने इसको HCl, अच्छा HCl डायरेक्ट नहीं डालते हम लोग, इसमें बेसिकली HCl बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर HCl गैस बन जाती है और वो HCl गैस जो है वो एज क्लोराइड आयन उसमें से निकल के एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगी और वो उसको क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करवा देगी। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl, सही है, और साथ में वाटर भी बन रहा होता है। ठीक है वाली बात, तो हैलोजन एल्केन ऐसे भी बनता है। इसके अलावा और कोई रिएक्शन जिसमें हैलोजन एल्केन बनता है, अल्कोहल के भी और रिएक्शंस हैं कुछ, जैसे अगर हम किसी अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड इज SOCl2, तो उसमें भी बन जाता है हेलोजन एल्केन। ठीक है, लेकिन उसमें साथ में हेलोजन एल्केन के साथ साथ और भी चीजें बनती हैं, जैसे अगर आप सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड है ना तो इसमें HCl भी बनता है साथ में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। इस रिएक्शन की रिएक्शन इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, इसमें जैसे हमारे पास ये इथेनॉल है, इसको हम मैं ऊपर करता हूँ ना, एक साथ ही ले लेना स्क्रीनशॉट, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएं इसका,
ये बन जाएगा CH3CH2Cl, बन गया क्लोरोइथेन, लेकिन साथ में HCl बनेगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अच्छा, ये दोनों की दोनों ना गैस फॉर्म में बनती है। इस रिएक्शन का फायदा क्या होता है कि फिर आपको हैलोजन एल्केन सेपरेट करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी किस्म की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करवानी। लेकिन ऊपर देखो जो हैलोजन एल्केन बन रहा है वो वाटर में बन रहा है, तो फिर मुझे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों गैस फॉर्म में बनती हैं, तो ये दोनों बन के उड़ जाएंगी। और HCl गैस जब बनती है तो उसके व्हाइट फ्यूम दिखते हैं, तो हमें और कंफर्म भी हो जाता है कि ये अल्कोहल है। मतलब इस रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल भी कलरलेस लिक्विड होता है एल्केन और एल्कीन की तरह। उसमें मैं सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड डालूं और अगर व्हाइट फ्यूम दिखना शुरू हो जाए मुझे, तो हम कहेंगे कि क्या है ये, आपका इसमें अल्कोहल था, क्योंकि जब गैस एस्केप करेगी तो HCl गैस के व्हाइट फ्यूम दिखेंगे। और इसमें हमें फिर कोई लिक्विड नहीं है रिएक्शन मिक्सर में, तो डिस्टिलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी आपका वो अलग करने के लिए हैलोजन एल्केन को। अच्छा, इसी तरह और कोई रिएक्शन जिसमें हैलोजन एल्केन बनता है? हाँ, वो अल्कोहल का एक और रिएक्शन है। हाँ, PCl5 के साथ फॉस्फोरस 5 क्लोराइड। अच्छा, ये ना रूम टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड के साथ, तभी तो मैं कह रहा हूँ एज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल यूज हो सकता है ये, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे टेस्ट करना आसान होता है, लेकिन जो ऊपर वाला है उसको हीट करना पड़ेगा HCl वाला। सर, वन क्वेश्चन जी सर, ये जो SSCl2 हमने डाला, आपने बोला कि हम इसको एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, राइट? जी तो सर, ये मार्किंग स्कीम से जब भी हमसे पूछते हैं टेस्ट फॉर अल्कोहल, तो वो सिर्फ हमेशा सोडियम का ऑप्शन क्यों देते हैं? व्हाई नॉट दिस SSCl2? देखो, आप PCl5 का ऑप्शन देता है, जो SOCl2 जो है ना वो असल में जब हम उसको साथ ना इन चीजों को डील नहीं करते क्योंकि ये ना टॉक्सिक होती है, लेकिन PCl5 के साथ कर सकते हो सोडियम। अब देखो, सोडियम के साथ करने को इसलिए करते हैं, और सोडियम के साथ करना ना अल्कोहल को टेस्ट वो मुश्किल है, क्योंकि सोडियम मेटल को हैंडल करना और मुश्किल है। आपको पता है बहुत रिएक्टिव मेटल है, ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है, निकाल के हम उसको डालेंगे तो वो एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हवा में ही बर्न हो जाता है, अक्सर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, आप स्पेशली PCl5 वाला बिल्कुल लिख सकते हो टेस्ट फॉर अल्कोहल का, लेकिन हाँ, मार्किंग की में अक्सर सोडियम वो अल्कोहल के साथ तो इतना नहीं लिखता है जितना वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन लिखा होता है ना सोडियम कार्बोनेट के साथ वो लिख रहा होता है, लेकिन PCl5 के साथ भी लिखा हुआ है मार्किंग की में। अब अगर सिर्फ सोडियम लिख के उसने छोड़ दिया तो वो एक अलग बात है, फिर वो क्वेश्चन मुझे दिखाना। ओके सर, थैंक यू। सही है, और सोडियम के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं ना तो अल्कोहल के वो एक तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो बबल्स देख के हम बता सकते हैं। ऊपर से हम लोग अब एक चीज और सिलेबस में ऐड हो गई है कि हम उसमें जो है ना वो इंडिकेटर डाल देते हैं, तो क्योंकि जो सॉल्ट बनता है ना सोडियम मेटल का अल्कोहल के साथ, वो सोडियम एल्कोक्साइड या इथेनॉल है तो सोडियम ईथॉक्साइड, वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो जिसकी वजह से वो इंडिकेटर का कलर जो है वो अल्कली वाला कर देता है। जैसे अगर आपने फिनॉल फिथिलीन डाला हुआ है तो कलरलेस इन एसिड होता है, अल्कली में जो है वो पिंक कलर का होता है, तो पिंक कलर देना शुरू कर देता है, तो वो भी एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल यूज हो जाता है, लेकिन बेटर है कि हम PCl5 के साथ करें। अच्छा, आगे PCl5 के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट में हेलोजिनो एल्केन बनेगा, साथ में HCl बनेगा, मतलब इट विल प्रोड्यूस हेलोजिनो एल्केन HCl और POCl3 बनता है। अब इसमें भी HCl जो है द फॉर्म ऑफ गैस बनेगा, तो उसके स्टीमी फ्यूम्स होते हैं, तो ये भी एज अ टेस्ट फॉर हेलोजिनो एल्कोहल यूज होता है। तो दिस इज CH3CH2OH with PCl5, again it happens at room temperature, no heating is required, और हैलोजन एल्केन हमें जो मिलेगा वो CH3CH2Cl साथ में HCl एंड POCl3 HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस मिलता है। इसी तरह यही रिएक्शन जो है ना PCl3 के साथ भी होता है अल्कोहल का, लेकिन उसमें हीटिंग करनी पड़ती है।
इसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा। इसमें भी हेलोजन एल्केन मिलता है हमें, ठीक है, लेकिन इसमें साथ में हमारे पास क्या कहते हैं, हेलोजन एल्केन के साथ साथ फॉस्फोरस एसिड मिलता है H3PO3, बाकी दो प्रोडक्ट वाले नहीं मिलते। CH3CH2OH PCl3 it will produce CH3CH2Cl and H3PO3। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें क्या कहते हैं हैलोजन एल्केन क्लोरो एल्केन नहीं बनाना, आयोडो एल्केन बनाना है। जैसे आयोडो इथेन बनाना है तो मैं फिर फॉस्फोरस थ्री आयोडाइड यूज कर लूंगा, CH3CH2 आयोडाइड आयोडो एल्केन बन जाएगा और साथ में H3PO3। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमिनेशन भी करवा सकता हूँ मैं, PBr3 यूज कर लूँ। ठीक है, क्लियर है। इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करना होगा ना तो मुझे यहाँ पे 3 लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, आयोडीन बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना वरना। अच्छा, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। चलिए आगे बढ़े, मेरे पास मुझे नहीं लग रहा है ये स्टोर हो रहा है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो SN2 होता है प्राइमरी हेलोजन एल्केन में, और आपको पहले तो ये रियलाइज करना है कि जो हेलोजन एल्केन है वो प्राइमरी है या नहीं है। अगर वो पहचान सकते हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है। आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है, अभी जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ बनाया ना, लेकिन अगर ये रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हो रहा होता तो सब कुछ वैसा ही रहता। मतलब अगर मैं कहता कि भाई हमने पोटेशियम साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड लिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ OH नेगेटिव आयन है वहाँ वहाँ CN आ जाएगा, बस सब कुछ वैसे ही रहेगा। CN लग जाएगा जहां जाओ OH, तो होगा क्या SN2 में प्राइमरी हैलोजन एल्केन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली कार्बन को अटैक करेगा और जबरदस्ती कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जबरदस्ती बॉन्ड बनाने का मतलब ये, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए ना ऑलरेडी, अब वो CN जबरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को कि मेरे साथ भी बॉन्ड बनाओ, तो फिर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ब्रोमीन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा था कार्बन
उसको और मौका मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन छीन के अब बीच में क्या हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है कार्बन के साथ। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है ये शो करने के लिए कि एक बॉन्ड बन रहा है एक बॉन्ड टूट रहा है, ये हमेशा ऐसे ही बनाती है। बॉन्ड आपका वी आर कंप्लीट, आपका सी एन जो है वो बस उसके साथ फाइनल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। सही है प्रधान, ओके। अच्छा आप लोगों ने अपना पेपर कब बताया था, कब है मैथ्स का? सर 10th of May। 10 days on Wednesday। यस अच्छा अब देखो ना, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम एक काम करते हैं, रात में एल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं, कार्बोनाइल्स ट्राई करते हैं, कार्बोनाइल भी रात में ही करना, नहीं तो फिर वो कल कर लेंगे, क्योंकि तो अभी आके वो लेवल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो रह जाएगा। सर इनऑर्गेनिक भी करना है। इनऑर्गेनिक कल नहीं, इनऑर्गेनिक कल नहीं, मैथ्स के बाद आपका नहीं, 10th of May को। अरे यार कैसा टाइम टेबल बनाया, इनऑर्गेनिक भी पेपर कल स्टूडेंट से दो करना पेपर हैं, किसके दो पेपर हैं, 10th को को दो बायो के पेपर स्टूडेंट के 10th को बायो के स्टूडेंट से बायो और मैथ दोनों है। बायो मैथ्स दोनों है ना, तो ऐसा कॉम्बो तो कम ही लोगों के पास होता है ना, बायो और मैथ्स दोनों। तो अभी हम ये करते हैं कि आठ बजे क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा से, और एल्कोहल्स और ट्राई करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी आज ही कर लें, उसके बाद फिर हम कल जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिकॉल कर लेंगे। या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कब करोगे, लेकिन इतना याद तो हुई भी होगी वैसे, होपफुली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल कर लेंगे, कल जो है कल का टाइम हम रात में सेट कर लेते हैं, फिर कल जब आ जाओगे एग्जाम देके। तो अच्छा जिनके मैथ्स और बायो दोनों है वो क्या कर रहे हैं, मतलब एएम पीएम में है या दोनों एएम में, सर एक ये एम ऐसा एक जिसके एम पास मैथ्स और बायो दोनों। दोनों एम में, सर मैथ्स पीएम में। और बायो एम में। अच्छा भाई फिर हम तो शाम में करेंगे क्लास फिर वाली सर ऑर्गेनिक एट को तो क्लास। कोई पेपर नहीं है, या है कोई? 8 को मुझे नहीं पता, मेरे साथ ख्याल से तो कोई नहीं है, 8 को कर लेते हैं दोपहर में कर लेते हैं 8 को, इनऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो एक ही गो में हो जाएगा सारा इनऑर्गेनिक। चलो बहरहाल अभी रात में तो अल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो करें फिर देखते हैं, ठीक है। चलो जा सकते हो अभी, अल्लाह हाफिज। एट पी एम यस। सर वो जो ट्रॉपिकल करने थे वो कब करें?
हमने एयरली इतने सारे कर दिया।